जौनपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ी मस्जिद के पीछे मोहल्ला रोजा अर्जन में देर रात जर्जर तीन मंजिला मकान धराशाही हो गया। इस दौरान एक दर्जन लोग मलबे में दब गए। जानकारी होने के बाद स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन राहत कार्य में जुट गया। घटना में 5 लोगों की मौत और 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिला है। हालांकि इसके बाद भी मलबे की तलाश की जा रही है। घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। अस्पताल में चिकित्सकों को भी अलर्ट कर दिया गया है। हम लोग सो रहे सर, हमारी अम्मा नमाज पढ़ रही थी, बस हम ऐसे ही सो रहे, एक बैग नीचे बैठ गया, अंधेरा छा गया। कितने लोग थे पूरे मकान में? पूरा मिला के 13 लोग। हाँ मौजूद थे, सोए थे, 11:15 की बात है। ये अभी एक कमरुद्दीन और जमालुद्दीन दो सगे भाई थे, इन दोनों का मकान था। एक परिवार नीचे रहता था, एक परिवार ऊपर रहता था। दोनों परिवारों में मिला के कुल 13 जन थे, जिसमें से 4 लोग दब के मर चुके हैं। एक बच्ची 12 से 13 साल की अभी दबी हुई, उसकी ढूंढ उसको लोग ढूंढा जा रहा है। कुछ विस्फोट की बात सामने नहीं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मकान पुराना था, नीचे मिट्टी का मकान जी। एक लड़की बजनी की स्थिति मिली है, एक लड़की बजनी है, जली हुई थी, उसमें बजनी में जला हुआ। वो उसको एक बार कुछ हुआ था, जला हुई थी, कोई बात हुई थी ना? नहीं, ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं, कोई जलने वलने की कोई ना, तो सिलेंडर फटा हुआ है, सिलेंडर दोनों सामने निकला हुआ है। एमएस का बयान है कि वो ब्लास्टिंग से जल गई है। आप सब हुआ सर, क्या अपडेट है अभी किसी लोगों को? ये जौनपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि कोई घर गिरा है, कुछ लोग दबे हुए हैं। इस पे तत्काल मेडिकल की टीम, पुलिसकर्मी सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इसमें 10 लोगों के दबे होने की सूचना थी, जिनको तत्काल निकाल के हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, बाकी 6 लोग पूरी तरह से ठीक हैं और शेष 2 लोगों का इलाज चल रहा है। और यहाँ के इनके परिजनों से बात की गई तो इन्होंने ये बताया कि पुराना जर्जर मकान था, वो मकान गिरा, उसके नीचे सारे लोग दबे, बाकी लोगों को सुरक्षित यहाँ पे पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा निकाल लिया गया है। और मौके पे हम और जिलाधिकारी जौनपुर महोदय दोनों हैं, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, फोरेंसिक की टीम भी है, सारी जांच यहां पे चल रही है। ये बता रहे हैं कि बहुत जर्जर मकान था, आसपास की बिल्डिंग में कोई वो ऐसा नहीं हुआ। यहां के सभासद और इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे इनके जो एक भतीजे रहते थे, इनसे भी बात हो रही है। ये बता रहे हैं कि अचानक बिल्डिंग गिरी, नीचे हम लोग आए, उसके बाद ये हादसा हुआ, बाकी रेस्क्यू की कार्रवाई की गई है। अभी इनके द्वारा जो बताया गया है उसमें सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और इनको अस्पताल में इलाज हेतु भेजा गया है। ये कोतवाली क्षेत्र में बड़ी मस्जिद एरिया है, उसके पीछे एक मोहल्ला है रोजा अर्जन, वहाँ एक पुराना मकान, जर्जर मकान गिर गया है, जिसमें जो है 6 इंजर्ड आए हैं और 5 ब्रॉड डेड आए हैं। और 6 इंजर्ड जो है उनका इलाज चल रहा है, सब खतरे के बाहर हैं, उनको सुई दवा मरहम पट्टी सब कर दिया गया है। और 6 जो है 5 ब्रॉड डेड हैं वो मर्चरी में बंद करा दिया गया है, पंचनामा का कार्रवाई हो रहा है, सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये 2 इंजर्ड बर्न वार्ड में क्यों रखे गए हैं? नहीं, इसलिए कि ये डाउट होना हो कि बर्न है, बर्न होगा तो उनको संदेह के चलते हम लोगों ने हटा दिया वहाँ से। ठीक है। और